सरकार द्वारा लगातार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर नागरिकों से शौचालय बनाने की अपील की जाती है। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक शौचालय के बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी बीच बुल्ढाणा जिले के खाम गांव में नगर पालिका द्वारा बनाया गया शौचालय आकर्षण का केंद्र बन गया है। सार्वजनिक शौचालय का नाम लेने से भी घृणा की भावना निर्माण हो जाती है। बदबू के कारण इन शौचालयों का उपयोग कोई नहीं करना चाहता। इतना ही नहीं, इनके पास से भी कोई गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अब इन सभी चीजों को दरकिनार कर एक प्रयोग बुल्ढाणा जिले के खामगांव में किया गया, जो सफल हुआ है। शहर के नवाफैल इलाके में लोकशाहिर अन्ना भाव साठे दलित बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत नगर परिषद की निधि से सेल्फी पॉइंट नगर परिषद शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके लिए स्थानीय पूर्व नगर सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कदम ने पहल की। इस अभिनव अवधारणा सेल्फी पॉइंट शौचालय ने सार्वजनिक शौचालय के बारे में नजरिए को ही बदल दिया है। इस शौचालय को दुर्गंध मुक्त करने के लिए सुगंधित फूलों के पौधे लगाना, सैनिटरी नैपकिन को कीटाणु रहित और निपटान की सुविधा, शौचालय में बारिश के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की दीवारों पर पेंटिंग की गई है और इसके माध्यम से पर्यावरण हितैषी संदेश दिया गया है। महाराष्ट्र में ये पहला सफल प्रयोग बताया जा रहा है। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत तथा नपच्या निधीतून खामगाव शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज नगर नवाफैल खामगाव या ठिकाणी महाराष्ट्रातील एकमेव सेल्फी पॉइंट शौचालय तथा बुलढाणा जिल्ह्याला पॅटर्न बनलेले असं नाविन्यपूर्ण मॉडेल शौचालयची निर्मिती या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। या शौचालयाचं वैशिष्ट्य म्हटलं म्हणजे आतापर्यंत शासनाने ज्या प्रकरणाकडे स्वच्छतेच्या व्यवस्थित लक्ष दिलं नाही त्या प्रकरणाला एक संकल्प म्हणून या ठिकाणी काही स्वच्छताविषयीचे पॅटर्न या शौचालयामध्ये घेण्यात आलेले आहे। दुर्गंधीला मारण्याकरता सुगंधित फुलांच्या वृक्षांचं रोपण या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। आणि आपण पाहतो की मासिक पाळीच्या वेळेस ज्या महिला सार्वजनिक शौचालयामध्ये कपडा पॅड वापरतात त्याचं त्या ठिकाणी निर्मूलीकरण होणं आवश्यक असतं। आतापर्यंत कोणत्याही नगरपालिकेने याची व्यवस्थित दखल आतापर्यंत घेतलेली नव्हती, परंतु यामध्ये तो एक पॅटर्न टाकून त्याची विल्हेवाट याच ठिकाणी डिस्पोजल करण्याचा या ठिकाणी 100% प्रयत्न करण्याचा संकल्प या शौचालयाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे। अशा विविध नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून या शौचालयाची निर्मिती या परिसरामध्ये झालेली आहे। राज्य के पहले सार्वजनिक मॉडल शौचालय में सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। इसमें स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसमें दीवार पर पेंटिंग किए गए हैं। इन पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण पूरक मोबाइल फोन का उपयोग, स्वच्छता, मैदानी खेल जैसे कई चीजों को चित्रित कर नागरिकों को संदेश दिया गया है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाणा।